अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं हमारा ये खसूसी प्रोग्राम जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कराची की जो तबाही हालिया बारिशों की वजह से हुई और जिसने तमाम पाकिस्तान की तवज्जो इस शहर जो कि बिज़नेस हब है उसकी तरफ मुतवज्जो की। न सिर्फ हमने ये देखा कि तमाम सियासतदान जो कि सिंध के हैं बल्कि विफाक के लेवल तक और इवन जो मुक्तदर हल्के हमारे वो सब भी कराची से हमदर्दी का इजहार न सिर्फ वहाँ से कर रहे हैं बल्कि यहाँ भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो यहाँ पे दो रोज़ा दौरे के लिए आए। गुज़िश्ता रोज़ न सिर्फ उन्होंने जिस दिन वो आए थे फ़िज़ाई दौरा किया बल्कि ब्रीफिंग भी ली, उसके बाद कल उनकी बिज़नेस कम्यूनिटी से मुलाकातें भी हुई हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि गवर्नर पंजाब तशरीफ़ लेकर आए और शहबाज शरीफ साहब जो कि लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन है वो तशरीफ़ लाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जिनका दौरा कल मुतवक्के था वो अभी पोस्टपोन हुआ है, उसे रीस्केड्यूल किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देंगे जिससे कराची की जो तबाही है, जो बदहाली है, जो मसाइल हैं उसका हल अब इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से निकलेगा। आज की जो हमारा ये खसूसी प्रोग्राम है, मेरे साथ मेरे मेज़बान जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं और बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें भी रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है कराची के हवाले से, तारिक महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर। और मैं गेस्ट का तारुफ़ करा दूँ और मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ आप वहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि ख़बरें आपके पास हैं। आज भी मीटिंग इमरान खान साहब ने की है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से। हमारे इस पहले घंटे में दो घंटे की ये नशरियात है जिसमें हम मौका देंगे, आपको भी कोशिश करेंगे कि आप भी कॉल करके जो कुछ कहना चाहते हैं एज सॉल्यूशंस कि क्या होना चाहिए वो ज़रूर दे सकते हैं। मेरे साथ मेरे मोहतरम मेहमान तशरीफ़ फरमा है फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI खालिद तवाब साहब जिनकी कल बिज़नेस कम्यूनिटी की जो मुलाकात हुई थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ये भी उसमें तशरीफ़ फरमा थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची फैमजमा सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ इस घंटे में मौजूद हैं, आपका बेहद शुक्रिया। फरहान अनवर साहब जो कि अर्बन प्लानर है, ही इज़ द फैकल्टी एट हबीब यूनिवर्सिटी, आपका भी बेहद शुक्रिया। सो तारिक साहब, आई'd लाइक दैट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर साइड। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मीटिंग्स तो हो रही हैं, न जाने ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कब अनाउंस किया जाएगा। देखिए, कल एक्सपेक्टेड थे नादिया प्राइम मिनिस्टर साहब, पहले थर्सडे प्लान बना, फिर कल, आप शायद सैटरडे को, आज भी जो है वो आमिर कियानी साहब मिले हैं, अली जैदी साहब मिले हैं, जो हमारी यहाँ लोगों के साथ बात हुई है वो एक बड़े मेगा कराची पैकेज की बात हो रही है। वो 500 अरब, 600 अरब और 700 अरब की बात हो रही है। आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उन्होंने 162 बिलियन की बात की थी, फिर बाद में जो वो सुकड़ के पैसे कहीं से कहीं चले गए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आर्मी चीफ साहब रहे हैं कराची के अंदर और उन्होंने जो मुलाकातें की हैं, जिन जिन लोगों के साथ मुलाकातें की हैं, खालिद तवाब साहब मौजूद हैं, वो कल की मीटिंग का अहवाल बताएंगे, उसके अलावा भी आर्मी चीफ साहब मिले हैं। उससे पहले जो है जो कल मुइनुद्दीन हैदर साहब फरमा रहे थे, जनरल ऑफिसर्स के साथ भी मिले हैं, तो वो उनके जहन के अंदर खासी क्लैरिटी है। वो कराची को आइंदा 3 साल या 4 साल के हिसाब से प्लानिंग करके उसकी चीज़ें कर रहे हैं। इश्यूज़ जो है ये वही इश्यूज़ हैं जो सब जानते हैं अरसे दराज से। फहीमुज़्ज़मा साहब पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पर जा जा के जो है वो बताते रहे हैं, लिखते रहे हैं, और जो शहर के लोग हैं, इश्यूज़ सबको पता है कि जी पानी की शॉर्टेज का ये मसला है, कचरे का ये मसला है, सीवरेज का ये मसला है, अर्बन प्लानिंग में ये फॉल्ट हैं, इशूज़ सब पता है। विल का मसला है, उसके लिए रिसोर्सेज का मसला है और उसकी जो पावरफुल एग्जीक्यूशन का मामला है। सीरियसनेस नज़र आ रही है और जिस तरीके से जो है कराची के अंदर जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया था तो आपको पता है कि वो उसका बैकग्राउंड अगर आप अपने जहन में दौड़ाएं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया गया था और उसके बाद हुआ था, तो उस डायरेक्शन के अंदर चीज़ों का आगाज हुआ है। अगर हम उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं तो रिजल्ट निकलेगा और अगर नहीं चलते तो फिर फवाद चौधरी साहब वाली बात होगी कि ये चंद दिनों बाद ये बारिश हुई है, नुकसानात हुए हैं और शोर मचेगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बार जो है वो खासी सीरियसनेस नज़र आ रही है और फौज ने कहा है कि हम न सिर्फ ये है कि आपके साथ खड़े हैं हर हर मरहले में और फैसिलिटेट भी करवाएंगे, पावर भी देंगे और एट दी एंड ये है कि जब तक एक कराची के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अंडर वन अम्ब्रेला एक बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, ये मसले इसी तरीके से रहेंगे, ये पैच वर्क करने से कराची का मसला हल नहीं होता। तो खालिद तवाब साहब से मेरा ख्याल है कि
अगर आप पूछ रहे हैं कि कल उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से क्या कहा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इस पर मैं ज़रा चाहूँगी कि फिर हम फरहान साहब से और फहीमुज़्ज़मा साहब से भी पूछ लेंगे कि क्या वो भी ये उम्मीद रखे हैं जो जिस तरह से आपने उम्मीद रखी है। पहले तो ज़रा अहवाल बता दें, कल जो बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई और किस हद तक ताजर बरदरी भी, क्योंकि मुस्तकिल कहती आई है कि किस तरह से कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके लिए, इकॉनमी के लिए भी एक इम्पेडमेंट बनता जा रहा है। सो वॉट वॉज एग्जैक्टली, किन किन उमूर पर बात हुई है और क्या वादे किए गए हैं, कोई टाइमलाइन भी बताई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जिस शहर में बैठे हैं यहाँ बहुत सारी तकालीफ थी और हैं। थी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक ज़माना ऐसा था इस शहर में जब यहाँ रहना मुश्किल था, किडनैपिंग फॉर रैंसम और रोज़ाना कितने लोग हलाक हुआ करते थे, टारगेट किलिंग थी, और शायद लगता था कि इस शहर जो है अब वो ख़त्म हो रहा है और यहाँ से कैपिटल भी चला गया और हालात बेहतर खराब हुए। तो उस वक्त भी लोगों ने फ़ौज की तरफ देखा और फिर एक रेंजर्स डिप्यूट हुई और फ़ौज ने सारा एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ज़माने में जो सबसे बड़ा एक कराची का इशू था वो आज इशू रहा ही नहीं और कोई इसका जिक्र भी नहीं करता, बात भी नहीं करते। अब जो ये डिज़ास्टर आया है एक बारिश की सूरत में, देखिए ये तो एक टेम्प्रेरी फेज़ है, ये एक हकीकत है। इस शहर के साथ तो वैसे ही बड़ा जुल्म है। हम शायद उन चंद लोगों में से हैं जो अपना चोरी किया हुआ पानी, जो हमारी लाइनों में पानी आना चाहिए वो नहीं आता, और वो चोरी किया हुआ पानी हम अपनी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों के लिए वो चीज़ें हम पानी ख़रीदते हैं और हमारा ही पानी होता है वो, और ये हम सालों से शोर मचा रहे हैं लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। सही, आज इस आफत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें एक्टिव हो गई हैं और हज़ब साबिक चीफ साहब कराची तशरीफ़ लाए और उससे हम बिज़नेस कम्युनिटी का मोरल जो है वो बड़ा हाई हुआ। जिस तरह उन्होंने बात करी, देखिए उन्होंने जिस तरह बताया, अभी तारिक साहब ने एक फसाई दौरा उन्होंने किया, उन्होंने पूरी कराची में, उन्होंने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्होंने वहाँ दिखा कि रोडों का क्या हाल है। देखिए मैं रेजिडेंशियल एरियाज पे नहीं आ रहा, ठीक है, अभी हम इंडस्ट्री की बात करें। फिर उन्होंने देखा साइट पे क्या हाल है, साइट पे एक भी रोड जो है वो आपको सालिम नजर नहीं आ सकता। ये उन्होंने फिजाई दौरा किया, जी फिजाई दौरा किया, अगर वो रोड पर आ जाते तो पता चलता। मेरे ख्याल मुश्किल था उनका आना, क्योंकि जिस तरह ट्रैफिक जाम है और जिस तरह चीज़ें चल रही हैं घंटों लग जाते थे पहुंचने। बिल्कुल सही। तो जब चीज़ें उन्होंने देखी और फिर कल हम सारी बिजनेस कम्युनिटी के 20-25 अफराद वहाँ मौजूद थे और सब रोहित हुए कि जी कराची को कोई तो ओन कर ले, कराची का कोई तो वली वारिस हो। तो जनरल साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, और हम आए हैं इसीलिए, और अहम इकदाम उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा जी एक तो हम एक कमेटी बना लेते हैं जिसमें सूबाई हुकूमत शामिल होगी, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट शामिल होगी, प्लस आप लोग स्टेक होल्डर्स भी इसमें शामिल होंगे। यानी जो कमेटी ऑलरेडी तश्कील है उसमें अब आप लोग भी शामिल होंगे। एक तो तश्कील हो चुकी है ना, विफाक और सूबाई। नहीं वो तो एक डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये उसके लिए बनाई गई, और उसका 3 साल का या मैक्सिमम 4 साल का मैंडेट होगा, जिसमें सबसे बड़ा मनसूबा K4 का शामिल है। सही, वो कम्प्लीट होगा। उसके अलावा जो हमारा ट्रेन का सिस्टम है, सर्कुलर ट्रेन, जी सर्कुलर रेलवे जो है वो इसमें सही करेंगे, ठीक है। और जो जो कराची के सूरज सिस्टम है, आपने देखा NDMA वैसे ही ऑलरेडी सिंध में काम कर रही है। मैं समझता हूँ अगर इसमें विफाक का और सूबाई उसका हुकूमत का और स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठेंगे और 3 से 4 साल का दे रहे हैं, इसमें टाइम फ्रेम भी होगा और इसमें एक प्लानिंग भी पूरी होगी कि पहले 6 महीने में क्या काम मुकम्मल किए जाएंगे। पहले 6 महीने में तो वो काम करने जो आज हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है, कोई रोड नहीं है इस शहर में, तो सबसे पहले रोड जो है वो बनाए जाएंगे। उसके बाद K4 का जो प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम और फिर स्विच का निज़ाम, जो है वो बहुत अरसे से वो है और ये फेडरल गवर्नमेंट का बेसिकली 3 से लेके 4 साल का एक पूरा जनरल साहब ने तो 3 साल का टाइम दिया है, कहने हो सकता है कि 4 साल इसमें हो, लेकिन इंशाल्लाह 3 साल में कराची को हम बहुत बेहतर कर देंगे और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक कर देंगे। देखिए इससे ज़्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक तकरीर कर रहा है लाहौर के अंदर और उन्होंने ये कहा कि जी हम लाहौर को कराची जैसा नहीं होने देंगे।
तो ये हमारी इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। सही बात है। मैं फहीम साहब आपकी तरफ आती हूँ, और आई एम श्योर जैसे तारिक महमूद साहब कह रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जब कभी भी ऐसी कोई आफत आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इस निज़ाम की बात होती है, तो देयर इज़ नन अदर देन यू हु कुड यू नो एक्सप्लेन एवरीथिंग वेल। क्या आप भी, मेरा तो बहुत छोटा सा सवाल है, जस्ट टू हैव योर ओपनिंग कॉमेंट्स फर्स्ट, आप भी इतने पुरउम्मीद हैं कि जिस तरह से तारिक साहब ने कहा कि अमन के लिए भी बेसिकली फौज ने ही सबको यू नो एक टेबल पर बिठाया था, तमाम स्टेक होल्डर्स को, एंड यू नो दे लेट द ऑपरेशन, रेंजर्स की सरबराई में हुआ, पुलिस ने असिस्ट किया, इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एंड द स्टेक होल्डर्स को बोर्ड पर लाकर ये कंसेंसस क्रिएट करके अब ये वक्त आ गया है कि वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक होता नजर आ रहा है? नादिया, काश कि मैं बुरी खबर का पैगंबर आपके लिए नहीं होता। अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछती हैं, मुझे सारी गुफ्तगू से जो अभी खालिद तवाब साहब ने बताई है, जो वजीर आजम साहब कर रहे हैं, मुझे कराची के हाल पे किसी कस्म का फर्क पड़ता नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी तय किया कराची को ठीक कर देंगे, वजीर आजम कितने गुजर गए, ये इन चीज़ों से नहीं होता। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं एनडीए में यहाँ पर है और एफडब्ल्यूओ यहाँ पर शामिल हो गई, तो K4 का ठेका 2015-16 में दिया गया था, ढाई साल में एफडब्ल्यूओ ने कंप्लीट करना था अगेंस्ट 25 अरब रुपए। आज वो कहाँ से कहाँ उसका बजट पहुँच गया है, और अगर पानी अगले 4 साल में भी आ जाए नादिया, तो मुझ पे News 1 में शमूलियत पे आप पाबंदी लगा दीजिएगा। तो ये जो ये है, अब मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सड़क पे घूमता हूँ, हेलीकॉप्टर मैंने भी बहुत उड़ाए, हवा में ऊपर से मैंने भी बहुत देखा, बहुत मुख्तलिफ साइड पिक्चर होती है ऊपर से। जब आप गाड़ी में बैठ के खड्डों में चलाते, हर खड्डे में जो है ना आपकी कर्राएं निकल रही होती हैं, वो एक बिल्कुल डिफरेंट साइड पिक्चर और फीलिंग होती है। अलमिया हमारे बाब इख्तदार का हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, और बदनसीब भी हमारे सिंध के हुक्मरान हो, ये सारे भी अरबाब इख्तदार हैं। इस पूरी चीज में जो है अवामुन्नास का कोई शमूलियत नहीं है। हम वो लोग हैं जो नजरें उठा के टुकड़ों के लिए देखते, जब तक हम अपने कदमों पे नहीं खड़े होंगे, जब अब तक हम ये नहीं कहते तय करेंगे कि हमने कराची को तब्दील करना है, और ये अरबाब इख्तदार ये ना कहें कि हाँ आप तब्दील करो, हम आपके साथ खड़े हैं, बजाय इसके कि वो 500, 600, 700 अरब रुपए में दे, हमें नहीं चाहिए कोई 500-700 अरब रुपए, हम अपने शहर को तब्दील कर सकते हैं, मगर बदनसीबी ये है कि मेरे शहर को हर शख्स उल्टी छुरी से काटना चाहता है, इस सोना देने वाली उंगली जो मुर्गी है उससे हमदर्दी कोई नहीं रखता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, मैं एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तारिक साहब तो फरहान साहब से भी पूछ लेंगे, क्योंकि बहरहाल मेरी थोड़ी डिसएग्रीमेंट इख्तलाफ इस सेंस में जरूर है फहीम साहब से कि कुछ भी करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, जो कि आपकी सूबाई हुकूमत ये कह चुकी है कि वो रिसोर्सेज तो है ही नहीं हमारे पास कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें विदाउट दी हेल्प ऑफ यू नो द फेडरल गवर्नमेंट। फरहान साहब बताएंगे कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ये K4 और ये आपका सर्कुलर रेलवे, जिसके बारे में मैं खुद मतलब बात कर करके थक चुकी हूँ, यही चीज़ है या कहीं और से इस गुत्थी को पकड़ना है ताकि ये सुलझना शुरू हो जाए? एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तारिक महमूद और मेरे यानी नादिया नकी के साथ कराता कराची, ये खसूसी प्रोग्राम जो कराची के जो मसाइल के सोल्यूशंस हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। खालिद तवाब साहब हमारे साथ हैं, फहीम उज़मा सिद्दीकी साहब हैं, फरहान अनवर साहब हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल है तारिक साहब पहले ज़रा फरहान साहब से भी पूछ लेते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कहाँ से उस सिरे को पकड़ना है। क्या आप अग्री करते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आएगी इस शहर की, या आपके नज़दीक कोई और तरीका कार अपनाना होगा? शुक्रिया नादिया। देखिए, जब हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो किसी भी एक प्रोसेस में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स सबसे आखिर में आते हैं। सबसे पहले आप एक विजन डेवलप करते हैं, उसके हिसाब से आप पॉलिसीज डेवलप करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, फाइनेंसिंग को देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म यू नो विजन क्रिएट करने के बाद फिर इन दी एंड जो है वो हम प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अनफॉर्चुनेटली
और ये सिर्फ कराची नहीं है, पूरे पाकिस्तान का अलमिया है कि हमारी पूरी सोच ही प्रोजेक्ट्स के अराउंड होती है विदाउट एनी प्री और पोस्ट स्क्रिप्ट अटैच टू देम। अब जब हम कराची की और जब शहरी मंसूबा बंदी की बात करते हैं तो एज एन अर्बन प्लानर मैं ये देखूंगा कि मैं जो भी मंसूबा बंदी कर रहा हूँ शहर के लिए या प्रोजेक्ट्स प्रपोज कर रहा हूँ उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्शंस क्या है। अनफॉर्चुनेटली कराची में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एलिमेंट्स जो इस सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेंगे वो हमने टोटली मफलूज कर दिए। अच्छा। वो एलिमेंट्स हैं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर एक राइट काइंड ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क्स। अनफॉर्चुनेटली कराची पिछले कोई 30 साल से 40 साल से एक पॉलिटिकल टसल के अंदर है बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज एंड दैट पॉलिटिकल टसल हैज स्ट्रेट जैकेटेड दिस सिटी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्टेस्टेशंस हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स के दरमियान वो उसके लिए बैटल ग्राउंड हमारे कोर सिविक इंस्टीट्यूशंस बने हैं, चाहे वो पानी का इदारा हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो लैंड के इदारे हों। ये जो इदारे हैं ये वो बैटल ग्राउंड उन्होंने प्रोवाइड किया है जहाँ पे ये टसल हुई है। सही। और इसकी वजह से इस वक्त ये इदारे जो है ना वो पकलूज हो चुके हैं, इट्स लाइक किकिंग अ डेड हॉर्स। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल कंसेंसस एग्जिस्ट नहीं करता, टोटली फ्रेगमेंटेड हमारा शहर हो चुका है। देर आर जो फॉल्ट लाइन्स हैं फ्रेगमेंटेशन की, देर आर अलॉन्ग पोलिटिकल लाइन्स, देर आर अलॉन्ग एथनिक लाइन्स, देर आर अलॉन्ग लिंग्विस्टिक लाइन्स, अलॉन्ग सोशो इकोनॉमिक एंड क्लास लाइन्स। तो सबसे पहले जो मेरी नज़र में ज़रूरी है वो ये है कि वी नीड टू बिल्ड अ पोलिटिकल कंसेंसस। जितनी भी इस पर पोलिटिकल एंटिटीज हैं, कोर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बिठा के इस शहर के लिए एक विजन क्रिएट करें अगले 40-50 साल का, 2050 तक का। सही। और फिर उसके बाद शेयर विजन के अंदर फिर हम ये सारे प्लानिंग के प्रोसेस और प्रोजेक्ट शुरू करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हमें कुछ प्रोजेक्ट्स लाने होंगे, हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना होगा, बट इस शहर को जैसे फहीम साहब ने भी कहा कि अगर हम इस शहर की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को देखना चाहते हैं तो हमें वो एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना होगा बिटवीन द क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स। इस वक्त कराची एक एगमेंटेड सिटी है, डिसेंट्रलाइज जरूर है बट डिसेंट्रलाइज इन ऑल द रॉन्ग वेज, हर एक अपने ओन पे काम कर रहा है। और आखिरी बात जो मैं कंटिन्यू करूंगा वो ये कि इस वक्त शहर में मेजर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट की रेट बहुत कम हो चुकी है, देयर आर इनफॉर्मल एक्टर्स, इनफॉर्मल इकोनॉमी है कराची में है विच रन्स इनटू बिलियंस व्हिच इज नॉट रेगुलेटेड व्हिच इज नॉट डॉक्यूमेंटेड और जिसके अंदर कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं है। ओके। सो देयर इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्पेस और उसको स्पेस को अगर हमें सही करना है तो फिर हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिक विजन के साथ काम करना है। अच्छा तारिक महमूद सर, आपको याद होगा ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। हम फहीम साहब के पास भी आई एम श्योर कि यू वांट टू क्वेश्चन हिम, बट बिफोर दैट डू यू आल्सो थिंक, क्योंकि फहीम साहब ने भी कई बार तारिक साहब ये कहा था, पहले हमें जो मुस्तफ़ा कमाल भी कह रहे हैं कि पहले हमारी गिनती सही करो, यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू हैव टू काउंट, बिकॉज किसी भी शहर के लिए या किसी भी जगह के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच ऑफ अ पॉपुलेशन एक्चुअली एग्जिस्ट, ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी के हिसाब से तय किया जाए, उसी के हिसाब से प्लान किया जाए। क्या आप ये समझते हैं कि ये बात उनकी भी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी बिल्कुल ठीक है? नहीं, प्लानिंग तो आप जो आपके सामने पेपर पे चीज़ें होंगी उसी हिसाब से करेंगे ना। जब आबादी आपकी जो है वो 2.5 से 3 करोड़ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो 3 करोड़ से ज़्यादा कहते हैं अपनी एक रिमार्क्स के अंदर, और आपके पास जो फिगर्स होंगे वो 1.5 करोड़ के होंगे, तो कैसे प्लानिंग होगी? जो रिसोर्सेज होंगे वो कैसे आप उस तरीके से उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, क्या चीज़ें होंगी? जब तक वो जो विल वाली बात की ना, जो फहीम उज़्ज़मा साहब ने भी बात की है, जो फरहान साहब ने भी बात की है पॉलिटिकल कंसेंसस और दीगर मामलात की, तो मैं समझता हूँ कि जो पिछली जो मीटिंग एक और हुई थी उसके अंदर तो आर्मी चीफ ने ये कहा था कि ये पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं, फिर ये जो कमज़ोर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो भी है। तो आई एम श्योर कि खालिद तवाब साहब ज़्यादा बता सकेंगे कि क्या जो आपके साथ जो मीटिंग हुई है उसमें पॉलिटिकल हर्डल्स और जो ये सिस्टम और जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या था चीफ साहब का कहना और क्या ताजरों का कहना था, वो थोड़ा सा ब्रीफ अगर हमें करें तो। जी जी खालिद। देखिए मैं बताऊं आपको, जो आपने सेंसस की बात की है ना अभी, ये भी डिस्कस हुआ था ये इशू भी, और एक कंसेंसस ये था कि वो लोग जो कि दूसरे शहरों से या दूसरे सूबों से आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनफ्लो जो है वो दूसरे सूबों से भी है, इंटीरियर सिंध से भी है, तो उनकी शायद सेंसस में उनको शामिल नहीं किया गया इस वजह से कि उनका जो मुस्तकिल रहायशी पता होता है वो वहाँ होता है। और यहाँ पर इस तरह भी कहा गया कि शायद पेशावर में इतने पठान ना हो जितने इस शहर कराची में हैं,
लेकिन उनके जो एड्रेसेस लिखे हुए हैं, हालांकि वो मुस्तकिल रिहायशी अब कराची में हैं, और लेकिन उनके जो रिहाइश के पते लिखे हुए हैं वो दूसरी जगहों के लिखे हुए हैं, तो उस रिस्पेक्ट भी गौर किया गया। और इसके लिए चीफ साहब ने कहा कि मैं इन चीज़ों को भी देख लेता हूँ, और अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ मैं नादिया अगर आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूँ कि आसिम सलीम बाजवा साहब का जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम चीज़ों का, उसमें उनका ट्वीट आया है कि आई स्ट्रांगली रिवर्ट द बेसलेस एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट मी एंड माई फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अनदर अटेम्प्ट टू डैमेज आवर रेपुटेशन बिलाइड एक्सपोज आई हैव एंड विल ऑलवेज सर्व पाकिस्तान विद प्राइड एंड डिग्निटी। और साथ ही उन्होंने जो है अपना एक प्रेस रिलीज के अंदर जो जो उनके ऊपर एलिगेशन थे उसकी जो है उन्होंने वजाहत भी की है, और वो सब कुछ चीज़ है। तो ये चीज़ जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर आसिम सलीम बाजवा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, और ये ख्वाहिश थी कि वो आएंगे और वो बताएंगे, तो वो उनकी जानिब से अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गई ये चीज़। जी खालिद साहब। जी जी खालिद साहब, तो ये भी चीज़ अभी जी साहब ने कहा कि इस रिस्पेक्ट को भी देख लेते हैं, और अगर कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ आप समझते हैं कि वो मर्दमशुमारी में शामिल नहीं हुए तो उन एरियाज़ को फौरी तौर पर शामिल कर लिया जाएगा। आप भी कहते हैं क्योंकि ये भी इतफाक से आर्मी की निगरानी में ही मर्दमशुमारी हुई थी, और वो क्योंकि वहाँ और भी जनरल्स थे तो उन्होंने भी ये बात कही कि आप निशानदेही करें कराची में। और इस बात में कोई शक नहीं है कि कराची की आबादी जो है, अगर ये 1.65 करोड़ बताते हैं तो शायद डबल हो, डबल ना हो तो कम से कम 2.5 करोड़ की आबादी ज़रूर है, तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी गई। मैं आपको बताऊं कि हमें हमारा मुल्क में शायद एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है आर्मी का जो एक मनज़म है, एक निज़ाम है, और जिससे कौम जो है बड़ी तवक्कु रखती है जब भी कोई मुश्किल आए। अगर आप रिकॉल करें, अभी फहीम साहब ने जिक्र किया कि भाई मुशर्रफ साहब के दौर में भी काम नहीं हुआ था, मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ आर्मी की कमिटमेंट्स होती हैं तो वो पूरी होती हैं। जिस तरह के अगर आप देखें मुस्तफ़ा कमाल साहब का आपने जिक्र किया, शायद इस शहर में सबसे बड़ी जो बेहतरी हुई या शहर बेहतर तौर पे वो हुआ अंडर पासेज और ब्रिजेस बने, वो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुए, और आज यही वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल फेवरेट हैं। लेकिन फंड्स कहाँ से आए? फंड आए फेडरल गवर्नमेंट से। कल चीफ साहब ने जो ऐलान किया है वो ये ऐलान किया है कि फेडरल गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड होगी, सेंट गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड होगी, और स्टेक होल्डर्स भी ऑन बोर्ड होंगे। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मैंने आपको कहा कि हम सब मॉरली ऊपर हुए हैं क्योंकि इन बारिशों से जो नुकसान पहुँचे हैं इसका एक आम आदमी को तासुर भी नहीं कि कितना शदीद नुकसान खासतौर पर कारोबारी हलके को पहुँचा है। अच्छा फहीम साहब, मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ सेंसस के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको कई बार अपने प्रोग्राम्स में, अभी नहीं बहुत पहले की भी बात है, व्हेन यू वर सेइंग यहाँ पर सिनेलीज भी रहते हैं, बर्मीज भी रहते हैं, बंगालीज भी रहते हैं, देखिए जो यहाँ पर रहता है उसने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करना है और प्लानिंग भी हमें उसी तरह से करनी है। वेयर दे आर लिविंग ऑन अ परमानेंट एड्रेस, इस बात से कतई नजर होनी चाहिए। देखिए ये सारी फजूल बात है। कराची में सेंसस के वक्त जब, बल्कि 2008 में आप सेंसस तो हुआ है, 2017 में, 2008 में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने कराची की हाउस काउंट की, और हाउस काउंट के बेसिस पे उन्होंने सेंसस ब्लॉक्स बनाए। वो सेंसस ब्लॉक्स बने 14,994, ठीक है। एक सेंसस ब्लॉक में टेक्निकली 250 घराने होने थे। अगर 250 घराने हो और पाकिस्तान का जो अर्बन जो एवरेज निकला है हाउस होल्ड का वो 6 नफूस का निकला है एक घराने पे, उस हिसाब से 14,994 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 250 से उसको 6 से, तो ये 23 मिलियन या 2,30,00,000 बनता है। सही। ये आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूं कि जितने बंगाली पाड़े, अफगानी पाड़े, बर्मी पाड़े और जितने वो हैं उसके अंदर लोग अपने आप को काउंट नहीं कराते। अंदर से बच्ची निकलकर घर में से कहती है बाबा घर नहीं है, काम पे गए हुए, ठीक है। तो ये जो है, और आप देखिए दूसरी बात कि जैसे खालिद तवाब साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि वो सिंध से आ गए और तो यूं हो गया, फलाना हो गया। भाई आपने 9 लाख की आबादी थी मलीर की, वो तो चली गई 22 पे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जिसकी बात कर रहे हैं कि ट्रांजिएंट वर्कर जो टेम्पररी आते हैं, उसकी आबादी 22 से चली गई 40 पे। तो कराची साउथ की रह गई 17.5 लाख, सेंट्रल की रह गई 29 लाख, 22 लाख से सिर्फ 29 बढ़ी। तो ये देखिए, ये जो है कराची के साथ एक सोतेलेपन का, और देखिए
कराची को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मैं फिर बार बार ये कहता हूं, कराची की म्युनिसिपल या जो सहूलियात हैं उनका जो स्टेक है या जरूरतमंद है या वो है, वो कराची का शहरी है। वो जो आदमी पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या कहीं और रहता है, उसका वो मसला नहीं है। आप ये कहते हो कि जी बिजनेस कम्युनिटी का ये हो गया, फलाना हो गया। मुझे ये बताइए, 1998 में जो 57-58% कराची फेडरल टैक्सेस में कंट्रीब्यूट करता था, वो तो आज भी कर रहा है, अगले साल भी करेगा। मसला हमारे अरबाब इख्तदार का ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अब पानी नजर आता है अरबाब इख्तदार को कि पानी जो है कूजे से बाहर ऊज करना शुरू कर गया है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो देखिए, जहां तक फरहान ने कहा, मैं 101% जो है फरहान की बातों से अग्री करता हूं, मगर चूंकि फरहान पढ़ाते हैं और ये डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्बन प्लानर भी हैं, तो ये बात कर रहे हैं टेक्निकल टर्म्स में। मैं तो बहुत सीधी सीधी उसमें बात कर रहा हूं। जब तक आप कराची शहर को इम्पावर नहीं करोगे, इसका मतलब है कराची के इंस्टीट्यूशंस को इम्पावर नहीं करोगे। आप कंटोनमेंट बोर्ड्स, आप कहते हो कि जी 202 स्क्वायर किलोमीटर के कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं 500 स्क्वायर किलोमीटर में से, आप अगर कराची के साथ मुखलिस हो तो कंटोनमेंट बोर्ड्स को शामिल करो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट में, केपीटी को करो शामिल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट में, पीसीएचएस को, बजाय इसके इस्लामाबाद से आज भी प्लॉटिंग हो रही है, या केसीएच में उनको आप करो शामिल उसमें, रेलवे। भाई अगर इवन जमीन आपकी है, आपने प्लॉट देने, आप दो, मगर म्युनिसिपल सर्विसेज, म्युनिसिपल प्लानिंग, ओवरऑल प्लानिंग, वो तो आप कराची को करने दो। आपने कराची के अंदर जो है टीयर्स क्रिएट कर दी, हायरार्की कर दी है। एक तरफ डिफेंस क्लिफ्टन है, दूसरी तरफ औरंगी बनारस है, एक तरफ कराची ग्रामर स्कूल है, दूसरी तरफ पीले स्कूल है। आप बताइए, आप कंटोनमेंट बोर्ड्स के, आप आज लोग सिर्फ और सिर्फ क्लिफ्टन और डिफेंस पे रो रहे, कराची कंटोनमेंट सदर गुलिस्तान जौहर फैसल कंटोनमेंट है, आप मनोड़ा पे आप देख लीजिए क्या हाल है। तो आप, मैं आपकी बात पे किस तरह से यकीन कर सकता हूं कि आप मुखलिस हो इस शहर से, जब आप कोई चीज, आज भी 50-60% कराची का अर्बन इलाका फेडरल एजेंसीज और उनके कंट्रोल में है। बेचारा आप केएमसी, आप डीएमसी की जो बात करते हो, ये तो ना हियो में है ना शियो में। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की आप बात करते हो, 285 अरब रुपए का टोटल डेवलपमेंट बजट है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध बेचारी कराची को क्या दे सकती है? ना फेडरल गवर्नमेंट कुछ दे सकती है, ना प्रोविंशियल। ये कराची को अपने रेवेन्यूज अपने आप करने होंगे। और जब मैं कहता हूँ एम्पावर करो, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इख्तियार नहीं है, जिम्मेदारी भी है। मगर आप हमें उल्टी छुरी से काटना तो बंद करो। अच्छा, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। ये वही बात है जो आसान अल्फाज में जो फहीम साहब कह रहे हैं कि वन सेंट्रल कमांड होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू म्युनिसिपल सर्विसेज। ये जो डिफरेंट एजेंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, इससे हालात मुस्तकिल खराब ही नजर आ रहे हैं। जो भी निज़ाम लेकर आए, और वो होता लोकल गवर्नमेंट का बेहतरीन निज़ाम है, जिसमें फिर जब हमारी बात हो रही थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी ये कह रहे थे कि लैंड का जो रेवेन्यू है वो आप अपने पास रखें, लेकिन जो म्युनिसिपल सर्विसेज हैं जैसे फहीम साहब कह रहे हैं, वो तो कम से कम एक कमांड में अगर चलेगी तो ही मसाइल का हल होगा। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ तारिक साहब, जब वापस आएंगे तो फरहान साहब से और खालिद तवाब साहब से और फहीम साहब से आप जो भी पूछना चाहें, क्योंकि फहीम साहब अभी भी ये समझते हैं कि ये किसी सूरत हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी और काम जब होगा जब आप कराची को उसका पूरा जो एक तरह से ओनस है, जो ओनरशिप है, जो उसका ड्यू है, वो खुद उठाने देंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, कम बैक एंड डिस्कस दिस। जी हाफिज साहब, कि मैं तो बड़ी अच्छी बात जो फहीम साहब ने, तो बिल्कुल जिसको कहना नफ्स पे हाथ रखने वाला, और उनका हाथ है कराची के शहरी मसाइल के नफ्स पे। लेकिन चलें हम थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक अगर होते हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस के ऊपर भी बात हो जाती है कि जी पॉलिटिकल कंसेंसस भी किसी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो फिर फरहान साहब ये बताएं कि हमारी अब प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारी जो टाउन प्लानिंग है उसका आगाज़ कहाँ से करें, सिरा कहाँ से पकड़ें, क्योंकि कोई एक मसला तो है नहीं। देखिए, एक तो ये कि मैं ऑप्टिमिस्टिक इस सेंस में जरूर हूँ कि देर इज अ रियल सेंस ऑफ अर्जेंसी नाउ, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स की तरफ से आ रही है। कि जैसे फहीम साहब ने भी कहा कि पानी कुछ सर से गुजरता जा रहा है, तो इस सेंस में आई एम ऑप्टिमिस्टिक। बट जहाँ मेरी कंसर्न है वो ये है कि अगर कराची की प्रॉब्लम्स को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम समझा गया,
कि यहाँ पानी का प्रोजेक्ट ले आएंगे, सूज की लाइनें सही कर देंगे, वेस्ट का सिस्टम सही करने की कोशिश करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उन इदारों को सही करने की ज़रूरत है जो कि इन सारे सिस्टम्स को लेके आएंगे और उनको चलाएंगे। उसके साथ साथ एक जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट नीड है वो ये है कि कराची के लिए एक विजन को डिटरमिन करना है। कराची में जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस इस वक्त चल रहे हैं उनके कुछ अल्टरनेटिव क्या, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है कराची में, इतना स्ट्रांग है अभी भी प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री को आप देख लें, सर्विसेज सेक्टर को देख लें, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के मॉडल आ सकते हैं, कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है। हमें बिल्कुल एक रीडिफाइन करना है कराची के गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को। इस वक्त जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है वो नहीं चल रहा है और ये है कि वो काफी हद तक, जैसे मैंने पहले भी एक वर्ड यूज किया था, बैंकरप्ट हो चुका है। सो हमें इदारों को स्ट्रांग करना है और फिर उसके बाद एक माइंडसेट से निकलना है। इस वक्त हम माइंडसेट हमारा अभी भी यही है कि द गवर्नमेंट इज द प्रोवाइडर ऑफ ऑल सर्विसेज। दुनिया भर में जब हम शहरों की गवर्नेंस को देखते हैं तो ये माइंडसेट अब चेंज हो चुका है। नया माइंडसेट जो है वो ये है कि द गवर्नमेंट इज नॉट द प्रोवाइडर ऑफ ऑल सर्विसेज बट इट इज अ गारंटर दैट ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर टू द पीपल। अब जब वो शिफ्ट क्रिएट करते हैं तो इसमें बहुत से नए नए मॉडल्स आते हैं गवर्नेंस के, इसमें बहुत नई नई इनोवेटिव तरीके आते हैं शहरों को रन करने के, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जांचते हैं कि वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कौन सी रिसोर्सेज हैं जिनको हमें यूज करना है। तो ठीक है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूर खर्च करें और जाहिर है कि वो जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें, बट साथ साथ इन पैरेलल हमें कराची का एक पूरा नया विजन, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बिल्कुल चेंज करना है और उसके ऊपर सबको मिलाना है। व्हेन यू मीन गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करना है और दुनिया, मतलब आप न्यूयॉर्क को भी देख लें, देयर इज अ मेयर, वन मेयर हैज टू रन द शॉट्स, राइट? और साथ साथ ऑफ कोर्स जो डिफरेंट पैरेलल आप चीजें कह रहे हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये उसको सिर्फ एक तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड अ गवर्नेंस, राइट? वही मैंने कहा कि गवर्नेंस का जो गवर्नमेंट का जो रोल है ना, वो मोर इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द पॉलिसीज एंड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग एवरीथिंग। ओके, फॉर एग्जांपल अगर प्राइवेट सेक्टर कोई काम कर रहा है तो फिर आप सिटीजंस के जो इंटरेस्ट है उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, रेगुलेट कैसे करेंगे कि उनको क्वालिटी की सर्विस मिल रही है, अफोर्डेबल रेट पे मिल रही है, वो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपना ऊपर हाथ रखता है कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप करे और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करे। अब उसके बाद ये है कि देन यू लुक विद इन योर सिटी के कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको हम ला सकते हैं गवर्नेंस के फ्रेमवर्क। सो आई थिंक उसको हमें देखना है। गवर्नमेंट का हमेशा रोल ऊपर रहेगा, गार्डियन शहर का जो है वो हमेशा मेयर का ही ऑफिस होता है। अनफॉर्चुनेटली कराची एक जो है वो आपका जो दोगर रोड का शहर है, लेकिन उसके अंदर सिटी गवर्नमेंट फंक्शन ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, किसी को आप बताएंगे तो हैरान रह जाएगा। ओके, सो वो हमें देखना है कि इसके अंदर, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, हम कराची के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको किस तरह हम बेस्ट हार्वेस्ट करते हैं। लास्ट वर्ड्स फ्रॉम फहीम साहब बिफोर वी से गुडबाय टू दिस पैनल। फहीम साहब, आपने बात की बिल्कुल सही, जिसमें आपने सेंट्रल कमांड की एक बात की है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे जी बताइए आप पहले कह लीजिए, ये मुझे जरूर बताइएगा कि मास्टर प्लान कितना जरूरी है इस वक्त। जी, देखिए फरहान ने जो बात की है वो टेक्निकल और अंग्रेजी में है। मैं फरहान की बात को, अगर ये मुझे अलाउ करें, तो सिंपल उर्दू में बताऊं। देखिए, अगर एक आप तो मेयर को कह रही है ना पावरफुल मेयर, मैं कोई पावरफुल सुपर मेयर की बात नहीं करता। एक पावरफुल, एक मेगा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो, right, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये तमाम चीजें हों, वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर कोऑप्ट करे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को, अर्बन प्लानर्स को, गवर्नेंस के इकोनॉमिस्ट को, फाइनेंस के लोगों को, और वो तय करे कि हम कहां से रेवेन्यूज ड्रॉ कर सकते हैं, कहां से फाइनेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपनी मैन पावर फ्यूचर के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग में कैसे डाल सकते हैं, हम सड़कें कैसे बना सकते हैं, हम मोहल्लों से नालियां बना के जो मेजर नदी नाले हैं उनमें पानी कैसे मिला सकते हैं। मगर ये सारी की सारी चीजें एक बहुत इम्पावर्ड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का काम है। मेयर का काम फैसिलिटेटर का है, कोऑर्डिनेटर का है, और उसका एक सेरेमोनियल प्लस एक इफेक्टिव रोल है। जब तक, और यही हम न्यूयॉर्क में है, यही मुंबई में है, यही दिल्ली में है, यही न्यूयॉर्क, हर जगह पे है। जी देखिए, और रिसोर्सेज की जहां तक बात है,
कराची को रिसोर्सेज सिर्फ कराची दे सकता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। ओके, कुछ कहना चाह रहे थे फरहान साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर वी क्लोज? मैं ऐड करना चाह रहा था फहीम साहब के बाद में कि जैसे एक लॉस एंजलिस का मॉडल है, मैंने अपने ओन पे रिसर्च भी की थी, लॉस एंजलिस बहुत से तरीकों से कराची जैसा ही शहर। अब उसमें मैं डिटेल में तो नहीं जाने का टाइम, मगर यह है कि वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज सिटीजन कमीशन रन करते हैं। सो यू नो बहुत से मॉडल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये है कि वो मॉडल्स हम जब ही ला सकते हैं जब लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट एक तरफ रखें और इस शहर के बारे में सोचें। हर एक ने, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने इस शहर के को अब्यूज किया है rather than कि इस शहर को बिल्ड करें और स्ट्रॉन्ग करें। तो वो टाइम आ गया है कि इस शहर के बारे में सोचें। खालिद तवाब साहब, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये बात हुई कि डिफरेंट एजेंसीज की वजह से भी बड़ा मसला होता है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो जो एक तरीका कार है वो होना चाहिए? देखिए, मैं पहले ये कहूँगा कि इस शहर की बड़ी बदकिस्मती ये है, मेयर जो है वो एक पार्टी का होता है, गवर्नमेंट सिंध जो है वो एक पार्टी की होती है, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक पार्टी की होती है। तो एक रस्साकशी है। सबसे पहले आपने पूरे चार साल सुना मेयर साहब का यही वो रहा कि जी हमारे पास फंड्स नहीं मिलते, सिंध गवर्नमेंट आगे कहती रही जी हमने फंड्स दे दिए, फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी हम फंड नहीं देंगे, फंड में खुदबुर्ज हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया 31 मार्च 2019 को कि 160 मिलियन जो है वो सिंध को मिलेंगे। लेकिन इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, दे ऑल इलेक्टेड पीपल ना, जिसको जितने वोट मिले। असल बात जो फहीम साहब ने कही है कि पावरफुल हो और एक सिस्टम हो कि इनके पास फंड जनरेशन किस तरह होगी, ना इनको सिंध गवर्नमेंट का ताबे होना चाहिए फंड के हिसाब से, ना इनको फेडरल गवर्नमेंट का ताबे होना चाहिए, एक सिस्टम के तहत। ये वो शहर है जहाँ से तकरीबन 65% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट लेती है और 95% रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेती है, लेकिन शहर में हम भीख मंगे हैं और फंड्स का इंतजार करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तवाब साहब, फरहान अनवर साहब, फहीम उज़्ज़मा साहब। एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ही शहर के इस सारे तमाम मसाइल को हल कर सकती है, ये मेरे गेस्ट का कहना है, जिसमें आप हर तरह के लोग लेते हैं, अर्बन प्लानर्स, टाउन प्लानर्स आप लेते हैं, गुड फाइनेंसर्स, इकोनॉमिस्ट, और ये कि इस शहर, ये शहर अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करे और ख़ुद इसका इस्तेमाल भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया इन पैनलिस्ट का। तारिक महमूद साहब और मैं आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे एक डिफरेंट पैनल के साथ। बात हो रही है कराची की, सब कराची के से हमदर्दी के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं, कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का भी जिक्र है। सवाल आज का हमारा यही है, क्या यही सोल्यूशन है कराची के मसाइल का या नहीं? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड बी बैक विद यू। वेलकम बैक। हमारा ये खसूसी प्रोग्राम कराता कराची, कराची के मसाइल के हल के हवाले से जो हमारा पहला पैनल था उसने जो हल पेश किए वो सब आपके सामने हैं। तारिक महमूद साहब और मैं कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मालूम करें, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है, बड़े लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, हमदर्दी का भी इजहार है, इजहार यकजहती भी है, कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन असल काम जो यहाँ पर होगा वो ज़ाहिर है जो एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जिसमें विफाक और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए जाएंगे। तारिक महमूद साहब, आपको याद होगा असद उमर साहब ने ये कहा था कि बहुत जल्द जो है वो हम बताएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स विफाक करेगा, कौन सी सूबाई हुकूमत करेगी, और 3 से 4 साल में अब ये पानी का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, स्विच का मसला, निकासी आप का मसला, ये तमाम वो मसाइल हैं जो कि हल कर दिए जाएंगे। सो अब प्राइम मिनिस्टर ने भी ज़ाहिर है पोस्टपोन किया है अपना जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उसके हवाले से अगर आप ये सारी चीज़ें देखें जिसमें वाटर सप्लाई का जिक्र है, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट का जिक्र है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र है, इसमें सर्कुलर रेलवे यानी ट्रांसपोर्ट का है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन रीसेटलमेंट रोड्स का है, ये तमाम जो सिंध गवर्नमेंट की जो पूरी एलोकेशन इसके अंदर दी गई हैं, इसमें लीड एजेंसी ज़्यादातर में गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, और जो फंडिंग सोर्सेज हैं वो भी उन्होंने बताई हुई हैं, कुछ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैं, कुछ में वर्ल्ड बैंक है, कुछ में ADB भी साथ में शामिल है। तो थोड़ा इनलाइटन कीजिए, क्योंकि हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ख्वाजा इजहारुल हसन भी हमें ज्वाइन करेंगे, कि ये मुर्तज़ा साहब ये बताएगा ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हम सुन रहे हैं ये एक्चुअली कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, आपका अलग और विफाक का अलग है, या यही वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें दोनों ने मिलकर काम करना है? मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। जी, नाउ आई कैन हियर यू। जी जी बिल्कुल जी, बताइएगा मुर्तज़ा वहाब साहब।
जी नादिया, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कंसेप्चुअली क्लैरिटी लाने की जरूरत है। आपने जब भी इंट्रो में बात कर रही थी कि जो कमेटी बनाई गई है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ये प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई गई है या प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करने के लिए बनाई गई है, ये बात गलत है। क्योंकि कमेटी बुनियादी तौर पर इसलिए बनाई गई है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जिसके अप्रूवल जब फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते हैं और वो तातुल का शिकार हो जाते हैं, और सिमिलरली बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वो शहर में कर रहे हैं, कराची में कोई काम करते हैं जिसके अंदर कोई सुस्त रवि हो जाए या कोई डेडलॉक आ जाए। तो इन तमाम ये जो स्टेलमेट है इसको रिजॉल्व करने के लिए बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट ये कमेटी तश्कील दी गई है ताकि बेटर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो सके। अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई काम करना चाहती है सूबाई सिंध के अंदर, शहर कराची के अंदर, वो काम कर सकते हैं, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि आपने देखा उन्होंने SIDC के जरिए कराची शहर के अंदर ग्रीन लाइन का मंसूबा स्टार्ट किया। वो अभी भी पाक PWD के थ्रू अपने MNAs को उन्होंने पैसे दिए हैं ताकि डेवलपमेंट का वो काम करा सकें, तो वो डायरेक्टली काम कर सकते हैं, ये कमेटी का वो काम नहीं है। अब ये जो आज आप कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तफसीलात अभी बता रही थी इंट्रो में, जिसमें लगभग कोई 850 अरब रुपए की कॉस्ट है, अगर आप नोटिस करेंगी इस तमाम कॉस्ट जो है इसकी जो लीड एजेंसी है वो सिंध गवर्नमेंट है। और वो लीड एजेंसी इसलिए सिंध हुकूमत है कि तमाम प्रोजेक्ट को कंसीव सिंध गवर्नमेंट ने किया है, और या तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट लेके जा रही है, या सिंध गवर्नमेंट अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से इसकी कॉस्ट बेयर कर रही है, या तीसरा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके इसके अखराजात बेयर करेगी। तो ये जो तमाम चीजें हैं जो वजीर आला ने आज डिस्क्लोज की हैं, ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत अपने रिसोर्सेज को बरूए कार लाते हुए काम कर रही है, इसका फेडरल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आज वजीर आला सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि जिस तरह सिंध हुकूमत ये तकरीबन 850 अरब रुपए कराची शहर के लिए इन्वेस्ट करने को सोच रही है, इसको लेकर आ रही है, इसी तरीके से वफाकी हुकूमत को इस अमाउंट को मैच करना चाहिए ताकि ये तमाम पैसा कराची शहर में लगे और कराची शहर के जो देरीना मसाइल हैं वो मसाइल हल हो सके और सस्टेनेबल अंदाज से मसाइल हल हो सके। तारिक देखिए महमूद, वजीर आजम इसको मैच करते हैं नहीं करते हैं, वो क्या ऐलान करते हैं, चूंकि माजी में वजीर आजम ने एक ऐलान कराची शहर के हवाले से किया था 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज के हवाले से, फिर उन्होंने कुछ ऐलान किया था कि मेयर KMC को या मेयर हैदराबाद को वो पैसे देंगे, लेकिन इस तरह की कोई चीज भी अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के हवाले से, हैदराबाद के हवाले से कंप्लीट नहीं हो पाई है। सो तारिक महमूद साहब, बड़ी क्लैरिटी इसमें आ चुकी है। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर आकर और एक प्लान अनाउंस करने जा रहे हैं, वो क्या चीज़ है, ये आपकी समझ में आया है? और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम टू द शो ख्वाजा साहब। शुक्रिया जी नादिया, पहली बात तो ये कि ये हर रोज कराची के हवाले से इतने ऐलानात हो चुके हैं। असद उमर साहब की आपने बात की, असद उमर साहब बीसियों बातें कर चुके हैं, 162 अरब अभी कभी हमने सुना, कभी कुछ सुना, कभी हमने सुना कि विफाक जो है वो MQM के साथ मिलकर कराची के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, 7 अरब की कहानी सुनी, कभी कोई कुछ और सुना। इतने ऐलान जो है वो हम सुन चुके हैं कि असल बात अभी तक पता ही नहीं चलती कि हो क्या रहा है और फिर विफाकी हुकूमत करना क्या चाहती है। अब ये जो जिस पैकेज की बात हो रही है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, आप यकीन करें कि मैं समझता हूं कि अभी तक ये, अगर ये परसों अनाउंस करने जा रहे हैं तो सिंध हुकूमत को नहीं पता कि क्या करने जा रहे हैं, खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनको भी नहीं पता कि भाई क्या हो रहा है और कौन सा पैकेज है और किस तरीके से हो रहा है। और ये दो बातें तो छोड़े, अब ख्वाजा इजहार साहब से पूछ लें कि उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात क्या MQM जानती है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है क्या और क्या अनाउंस होने जा रहा है, विफाकी हुकूमत कराची के लिए क्या करना क्या करने जा रही है। इजहार भाई बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहली चीज तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कराची के लिए तमाम मीडिया ने खुसूसन आपने मुकम्मल ट्रांसमिशन रखी है। कम अज कम चले माशाल्लाह, मुर्तजा भाई को सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी दुआ है कि वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ हर महीने कराची आया करें ताकि अच्छी अच्छी बातें हों, अच्छे अच्छे सोल्यूशन हों और इल्ज़ाम तराशी की सियासत ख़त्म हो। एक चीज़ तो ये बिल्कुल दुरुस्त है जो हाफिज़ तारिक साहब कह रहे हैं कि अभी तक हमने जो प्लान किए थे
जिसमें 18 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट ने रखे थे, एलोकेट किए थे, उसमें से अभी तक 1 बिलियन तो हमारे सिटी गवर्नमेंट यानी KMC के पास आ चुका है, जिसको SIDCL या एडमिनिस्ट्रेटर जो अब आएंगे वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा 7 अरब रुपए और इन पाइपलाइन है, क्योंकि ज़ाहिर है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी ख़त्म हो रहा था और एक मैकेनिज्म भी पीपल्स पार्टी के साथ डेवलप करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शुरू में आपने देखा जब जब भी फेडरल गवर्नमेंट काम करना चाहती थी तो एक ही बात होती थी कि भाई आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, इस तरह मुर्तजा साहब ने फरमाया कि 162 अरब रुपये काम हम करेंगे। कराची का मसला यही है कि कराची सिर्फ सिंध नहीं है, कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है और ये कैपिटल इकोनॉमिक, तो इसके ऊपर तो मैं तो समझता हूँ बलूचिस्तान, KPK, पंजाब सबको कराची में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मिनी पाकिस्तान। मेरी आवाज आ रही? ख्वाजा जार साहब कुछ ऑडियो में कोई मसला आ रहा है, मैं ऐसा करती हूँ एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ ताकि फिर आपकी आवाज़ जरा हम सब ठीक है। अब ठीक है, ओके चलें। अब जहाँ तक ऐलान की बात है तो 2016 में नासिर शाह साहब भी वजीर बलदियात थे, बिलावल साहब ने भी कराची के लिए 150 अरब रुपए का ऐलान किया, 150 बिलियन का ऐलान हुआ था और वाकई कराची के लिए जरूरत यही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर 1 अरब रुपए हमें विफाक से मिलता है, 3 से 5 अरब रुपए सूबे से मिलता है इस शहर को औसतन, और ये शहर 1000 रुपए नेशनल एक्सचेंज में दे, 250 अरब रुपए सूबे को दे, तो फिर इस शहर के साथ जुल्म है, ज्यादती है, बल्कि मुजरमाना गफलत है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत देरी ना ख्वाहिश थी, मैंने असेंबली में भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बैठ कर कराची के मसले का हल करें, और इसके तमाम हलों में सबसे ज़्यादा जो इसका मसला है वो इसकी आबादी का मसला है, वहां से शुरू करें। ये जो कमेटी बनी है, पहले ये कमेटी बता तो दे कि कराची है कितना, अभी तक तो किसी को पता ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं 3.5 करोड़ है, आप और हम TV पे 2.5 करोड़ कहते हैं, लेकिन जो सेंसस डिपार्टमेंट है वो कहता है 1.70 करोड़ नफूस हैं। तो इस शहर का मसला असर नौ ठीक करना है, इस शहर की जो आबादी पे मरदमशुमारी में जो इंक्रोचमेंट की गई है उसको पहले दूर करना बहुत जरूरी है। तो ये मर्दमशुमारी इंक्रोचमेंट की जो आपने बात की है, क्या इस पे भी तो जाहिर है कि एवरीबडी हैज़ टू बी ऑन बोर्ड फॉर द सेम, क्या मुर्तजा वहाब साहब आप भी ये समझते हैं, क्योंकि आप भी इस शहर के हैं, आप भी जानते हैं आबादी का इन्फ्लक्स भी जानते हैं, द रेट एट विच इट इज़ ग्रोइंग, यू नो दैट, डू यू थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग अस एंड देन स्टार्ट प्लानिंग? एब्सोल्युटली नादिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और मैं ख्वाजा इज़हार साहब के जज्बात को बिल्कुल एको करना चाहूँगा कि कभी भी किसी शहर की, किसी सूबे की, किसी मुल्क की, किसी कस्बे की आप प्लानिंग उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पता नहीं हो कि हाउ मेनी पीपल यू आर केटरिंग टू। और ये ज्यादती है कि एक तरफ आप जब TV प्रोग्राम पे बैठे हों, अदालती मामलात हों, डिस्कशंस हों, तो सब लोग कहते हैं 2.5-3 करोड़ आबादी का ये शहर है, लेकिन जब आप पेपर देखते हैं सेंसस का तो आपको नज़र आता है कि 1.61 करोड़ आबादी रिकॉर्ड की गई है। तो नेचुरली हम बहैसियत सिंध गवर्नमेंट के इस बात को सपोर्ट करते हैं कि सेंसस के अंदर सूबा सिंध की जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, और जब सूबा सिंध की सही तरीके से पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट नहीं होती तो सिमिलरली आपको उस तरीके से वसाइल भी वफाक से नहीं मिलते। तो ये बात ठीक है, लेकिन मैं ख्वाजा इज़हार साहब से इसमें एक गिला भी करना चाहूँगा कि आपको याद होगा 2017 में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत बन रही थी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अब्बासी साहब को दिया था, और दो शराइत थी उसकी। पहली शर्त ये थी कि कराची को 25 अरब रुपए तरक्याती फंड दिए जाएंगे और हैदराबाद शहर को 5 अरब रुपए तरक्याती फंड दिए जाएंगे, और दूसरा ये कि आबादी के जो सेंसस हुआ है उसका 1% ऑडिट किया जाएगा। अब्बासी साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, ना वो पैसे मिले ना वो सेंसस हुआ। खान साहब की हुकूमत आई, खान साहब ने इसी MQM को बहुत बुरा भला कहा था, ख्वाजा इज़हार साहब को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन जब इख्तदार बांटना हुआ तो एक बार फिर नया फार्मूला तय हुआ, और उसके अंदर भी जो नुकात जहांगीर खान तरीन साहब के साथ तय हुए थे वो सेंसस के हवाले से हुए थे कि फौरी तौर पर ऑडिट होने की ज़रूरत है। आज 2 साल गुजर गए, खान साहब की हुकूमत आए हुए, पावरफुल हुकूमत है ये, अभी तक हमें कोई चीज़ उसके अंदर पेशरफ्त नज़र नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं MQM को अपने रोल की नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि बार बार जो कराची के हुकूक के ऊपर
आप फेडरल गवर्नमेंट से निगोशिएट करते हैं या फेडरल गवर्नमेंट से जो मुआहिदा करते हैं वो मुआहिदा क्यों पूरा नहीं हो पाता, ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि मैं आपके जज्बात को सपोर्ट करूंगा इस चीज़ के ऊपर कि क्यों शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत ने आपको 25 अरब नहीं दिए, क्यों हैदराबाद को उनकी हुकूमत ने 5 अरब नहीं दिए, क्यों आपकी सेंसस का हमारी सेंसस का ऑडिट नहीं हुआ, और क्यों फिर खान साहब ने 162 अरब रुपए का जो वादा किया था वो कराची वालों से पूरा नहीं किया। मुर्तजा साहब, फिर लेकिन एक तो सवाल आपसे भी उठेगा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चीफ मिनिस्टर कितनी मरतबा इस इशू को बार बार रेज कर रहे हैं कि वी आर नॉट काउंटेड वेल। मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, सीसीआई की मीटिंग नादिया ये भी पूछ रही है। जी जी तारिक भाई, मैं जवाब दे दूं उसका, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 153-154 है, वो ये कहता है कि हर 90 रोज में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना चाहिए। बिल्कुल। 2 साल हो गए हैं, यानी कि 2 साल में 8 CCI के इजलास खान साहब की सदारत में होने चाहिए थे, इजलास सिर्फ 3 हुए हैं अभी तक। और आप यकीन जाने, पहला जो CCI का इजलास था, मैं आपको दस्तावेजात शेयर कर सकता हूँ जिसके अंदर हमने कराची के पानी का मुकदमा रखा था वजीर आजम के सामने, इस उम्मीद के साथ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का वजीर आजम कराची से इलेक्ट हुआ है, पाकिस्तान का वजीर आजम गुलशन इकबाल से इलेक्ट हुआ है। हम बड़े पुरउम्मीद थे कि जो कराची का पानी का मुकदमा है वो वजीर आजम फौरी तौर पर हल करेंगे। गालिबन सितंबर 2018 के अंदर CCI का वो इजलास हुआ था, आज 2 साल होने को आए, अभी तक कोई फैसला नहीं किया उस हवाले से। तो ये तो तमाम चीजें रिकॉर्ड पर हैं। मैं समझता हूँ जो उनके इत्तेहादी हैं, जो उनके हलीफ हैं, जिनकी सपोर्ट की वजह से उनकी हुकूमत है, उनका वजीर कानून आज भी वजीर आजम का वजीर कानून है, उनका एक और वफाकी वजीर वफाकी काबिना में बैठता है, लेकिन फिर भी कराची के मसाइल वफाक देख नहीं पाता। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा गिला मैं इजहार भाई की बात को सपोर्ट करते हुए ये कहूँगा, बहसियत है कराची वाले के वफाक की जो दिलचस्पी पाकिस्तान के कमर्शियल इंडस्ट्रियल कैपिटल के साथ होनी चाहिए, जो शहर पाकिस्तान को चलाता है उस शहर के साथ जो कमिटमेंट होनी चाहिए वो कमिटमेंट वफाक ने अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखाई है। नाजी, अगर मुझे इजाज़त दें तो जी। मैं इजहार भाई से ये जो गुफ्तगू मुर्तजा साहब ने की है, मैं ज़रा सहल अल्फाज में इजहार साहब के सामने रख दूँ कि इजहार साहब, जो मुर्तजा भाई का शिकवा है कि जी आपने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी मुतालबात कर रहे हैं, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या सिर्फ मुतालबा कौमी मूवमेंट रह गई है जो मुतालबात करती है और अपने मुतालबात पे जो है वो अमल दरामत करवाने की पोजीशन में नहीं होती है? बहुत अच्छी बात की मुर्तजा भाई। देखें, एक चीज तो मैं बड़ी क्लियर आपको बता दूं अपने बारे में, मैं किसी भी सियासी जमात, चाहे वो मेरी अपनी जमात क्यों ना, उसके अंदर भी मैं इस्लाह का कायल हूँ, और सीट के लिए ओहदे के लिए मैं चमचागिरी पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। ठीक है, और ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि 5% का जो हमारा मुतालबा था, और वजीर आला साहब ने जब हमने सूबाई असम्बली से रेजोल्यूशन पास की तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस इशू को इग्नोर किया, तो मैंने ये बात की थी असम्बली में, आगे तो चले अच्छी बात है, आगे जो मेरे अल्फाज है कर ली ना, हम और आप थे कोलिशन पार्टनर, आप उस वक्त सियासत के मैदान में इतना सरगर्म नहीं थे। 2011 में सेंसिस के 3 फेज हो चुके थे, 7 अरब रुपए लग चुके थे, आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, आपका हमारा वो सेंसिस 7 अरब रुपए का आप ही के कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शी शाह साहब और दीगर ने उस सेंसिस को नल एंड वॉइड करके नए सिरे से सेंसिस कराने का मुतालबा किया। हम 12 असेंबली में चीखते रहे, मुराद अली शाह साहब से पूछे, मैं स्पीच करता रहा कि भाई ये 7 अरब रुपए हमारे जाया होंगे अगर ये दोबारा से फेज होगा, तो फिर ये दोबारा से सेंसेस हुआ, थैंक्स टू पीटीआई कम से कम सेंसेस हो गया, वरना तो नहीं, पीटीआई ने सेंसेस नहीं कराया यार भाई, आखिरी आगे चलना है 2011 वाला तक जवाब दीजिएगा, 2011 भाई, अरे यार भाई आखिरी बात मुर्तजा भाई, आप कर ले फिर मैं जवाब देता हूं, आप आखिरी बात, और मैं आपसे उम्मीद ये रखूंगा कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा आप शहर के बेटे होने का अदा करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूं। अब हाफिज तारिक साहब, मैं आपको एक बात बता दूं,
जिस दिन इस शहर के ऊपर आपने 3 करोड़ आबादी पे कॉन्स्टिट्यूशन में सूबाई और कौमी असेंबली की नशिस्तें बढ़ा दी ना, तो उस दिन ये मुतालबा कौमी मूवमेंट जो है ना, वाकईतन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और यहाँ उसका वजीर आज़म। मैं आपको ये शर्त लगा के कहता हूँ कि कराची की आबादी के ऊपर 3 करोड़ से ज्यादा ये मेरे एमपीए भी डबल हो जाएंगे, मेरी यूनियन का 200 से 500 हो जाएंगी, ये मेरे एमएनएस भी 20 से 40 हो जाएंगे। तो उसके बाद एमकेएम को मुतालबे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कराची के फैसले खुद करेगी, और चाहे कराची से मुर्तजा वहाब जीते, चाहे कराची से कोई कराची का बेटा जीते, कराची की नशिस्त से बढ़ जाएंगी तो कराची की तकदीर भी बदल जाएगी। तो आप ये क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है और मुर्तजा भी इसका जवाब देंगे। जी मैं ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद जवाब बिल्कुल आप दीजिएगा। तो क्या आप, मैं ये सही अखज कर रही हूँ ख्वाजा इजहार साहब की बात से, इस पर आप भी आके कमेंट कर दीजिएगा कि जानबूझकर कराची की आबादी को कम किया गया है, कम दिखाया जा रहा है, ताकि ये नशिस्तें ना बढ़ सकें और कराची के फैसले ये नशिस्तें ना ले सकें, और इसके लिए ख्वाजा साहब ये समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट विल बी इन अ विन विन सिचुएशन। वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक, अगर बात दोनों अग्री करते हैं कि गिनती से ही शुरू होनी चाहिए, तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान होगा, अब जो कराची के सारे मसाइल का हल की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसमें कोई भी मेरे ख्याल से तो ये अग्रीमेंट या कहीं ये बात अभी तक कोई कर ही नहीं रहा है कि हाँ जी हम सेंसस करेंगे पहले और उसके बाद इसकी प्लानिंग की जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, मुर्तजा वहाब साहब, तारिक महमूद और मैं कोशिश कर रहे हैं कि हम जाने कि कहाँ बात आगे चल रही है मसाइल के हल के लिए, और ये मसाइल कराची के हैं जिन पे सब मुत्तफिक ज़रूर हैं कि हल होने हैं, किस तरह होने हैं, इस पर अभी भी लगता है। जी दो चीज़ें मैं चाहता हूँ मुर्तजा भाई से हम ज़रा फ़ायदा उठा के। बिल्कुल, एक तो नए बल्दियाती निज़ाम की बात हो रही है, पीटीआई कहती है हमने भी बिल पेश कर रखा है, एमक्यूएम को भी इस बल्दियाती निज़ाम के ऊपर जो है वो एतराज़ात हैं, तो क्या किसी नए बल्दियाती निज़ाम के ऊपर सिंध की जो पोलिटिकल पार्टीज या स्टेक होल्डर है उनका कोई कंसेंसस हो सकता है, आप उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने खुद जो कराची के आवाम से जो वादे किए, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, चीज़ें, पानी, ये वो, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, कितना काम किया, कितना आप पीछे हैं उन वादों से? वो तो डिलीवरी आपने देनी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। तारिक भाई मैं आपके दोनों सवालात का जवाब देता हूँ, पहले मैं सिर्फ ख्वाजा इजहार साहब ने जो कुछ पॉइंट्स रेज किए थे उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ। पहली चीज़, इजहार साहब ने कहा कि चलें हम शुक्रिया अदा करते हैं पीटीआई का कि कम अज़ कम सेंसस तो कराए उन्होंने, तो मैं गुजारिशें करना चाहूँगा कि 2017 में पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, नून लीग की हुकूमत थी, और अगेन नेशनल कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ था, तो ये क्रेडिट जो है पीटीआई गवर्नमेंट को नहीं जाता। अलबत्ता हाँ, डिसक्रेडिट ज़रूर जाता है पीटीआई गवर्नमेंट को कि 2 साल हुकूमत में रहने के बावजूद ना उन्होंने सेंसस को फाइनलाइज़ किया है और ना इसका अभी तक ऑडिट कराया है। जहाँ तक कराची की आबादी की बात है, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इजहार साहब से ये है कि ये हमेशा फौज जो है अनफॉर्चुनेटली उसको छोटे लेवल पर रखते हैं, बड़े एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ। देखें, जब सेंसस सही होगा तो सिर्फ मेरे शहर की आबादी नहीं बढ़ेगी, मेरे सूबे की आबादी बढ़ेगी, और वसाइल आपको शहर की आबादी पर नहीं मिलते हैं, वसाइल आपको वफाक से सूबे की आबादी पर मिलते हैं, तो अपनी सोच को वसी करें। जहाँ तक इलेक्शन के रिजल्ट का ताल्लुक है, ख्वाजा इजहारुल हसन मुझसे सीनियर सियासी कारकुन है, इनको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की सीटें कराची की 20 से बढ़कर 21 हो गई, और माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि कराची से 17 सीटें जीती थी 20 में से, वो अब की बार सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। तो मैं समझता हूँ ये जो एमक्यूएम को लफ्ज को जिस तरह भी अब आप तशरीह करना चाहें आप कर लें, ये प्रेडिक्ट करना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है कि किसके पास क्या चीज़ जाएगी, बट मैं समझता हूँ हम सबको बहसियत शहरी बात ये करनी चाहिए कि अगर सेंसस सही तरीके से रिकॉर्ड होगा तो हमारे सूबे की पॉपुलेशन प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होगी, और अगर सूबे की पॉपुलेशन प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होगी तो हमें उसी हिसाब से हमारे वसाइल मिलेंगे। बल्कि मैं तो एक और चीज़ को ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि कराची में चारों सूबों से लोग आके बसते हैं, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से लोग आके बसते हैं, तो मैं तो समझता हूँ तमाम सूबाई हुकूमतों को और फेडरेशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि सिर्फ ये शहर कहना कि कराची वालों का है नहीं, ये सारे पाकिस्तान का शहर है, तो मैं समझता हूँ सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है।
अब आ जाएं आपके तारिक भाई सवालों पे। जो पहला आपने सवाल किया लोकल गवर्नमेंट निज़ाम के हवाले से, देखिए जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है उसका नाकद मैं खुद भी हूँ। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि उसके अंदर कुछ इशूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा है कि हमें परवेज मुशर्रफ वाला बल्दियाती निज़ाम चाहिए 2001 का, मैं उसका प्रोपोनेंट नहीं हूँ। और उसकी वजह यह है कि कराची के जो मौजूदा मसाइल हैं, जो आप इतने ज़्यादा मसाइल एम्पलीफाई हो गए, उसकी एक वजह यह थी कि 2001 का जो बल्दियाती निज़ाम था वो इतना ओवरवेलमिंग था, वो इतना ओवरबेयरिंग था कि आपने इतनी पावर दे दी थी उन बल्दियाती इदारों को कि उन्हें तबाही मचाई। और उसकी मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। मिसाल एक ले लें आप कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर तारिक साहब 1998 से लेके 2005 तक, यानी कि उसमें नून लीग की भी हुकूमत है, उसके अंदर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी है, उसके बाद नेमतुल्ला साहब की गवर्नमेंट भी है, एक बंदे को भी अपॉइंट नहीं किया गया। लेकिन 2006-2007 में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाज़िम आला था, मुस्तफ़ा कमाल साहब नाज़िम आला थे, उन दो सालों में 6,000 बंदों को अपॉइंट किया गया। नतीजा क्या हुआ कि आपने इदारों की तबाही कर दी ओवर एम्प्लॉयमेंट करके, कि बंदों की ज़रूरत नहीं थी। आपने KDA में, KWSB में, KBCA में इसी तरीके से बंदरबाट की। नतीजा ये हुआ कि आज ये इदारे अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं और बार बार इन इदारों को अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मांगने होते हैं। तो मैं समझता हूँ एक मतवाजन लॉ लाने की ज़रूरत है, एक ऐसा लॉ जो कि इंडिपेंडेंस दे इनको, इनको एम्पावर करे, बट एट द सेम टाइम इनके सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐसे होने चाहिए, इनकी मॉनिटरिंग, इनकी सर्वेलेंस ऐसी होनी चाहिए कि इस तरीके के काम ना हो पाए। यानी कि आपको याद होगा कि कराची की जो आज कहते हैं ना कि नाज़िमाबाद की एरिया में तबाही हो गई, तो ये कहीं इनिशिएट करें ना मुर्तजा साहब, इनिशिएट मैं कर रहा हूँ। तारिक साहब काबीना ने मामले पर एक कमेटी बना दी है, वजीरे इजहार साहब मैं बात कर लूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अरे बात कितनी लंबी बात करेंगे, कुछ 5 घंटे का। अच्छा मैं, अच्छा इजहार भाई एक मिनट, इजहार भाई आप, ये आपको मैं सिखाता हूं, कराची नहीं है भाई, बोलने देते हैं। अब ये 90s का 2000 का कराची नहीं है, आप बोलने दें, बोलने दें प्लीज। वो कह रहे हैं बोलने तो सही मगर रुके तो सही, कहीं बात करने दें। अरे कर पानी पिए, पानी पानी भाई, आगे अपनी बात कर सके। अच्छा तो देन डू यू नॉट बिलीव इन इट। ख्वाजा साहब एक मिनट, अभी फहीम साहब हमारे साथ थे, मैं मुर्तजा साहब की भी खिदमत में ये पेश कर दूं। उन्होंने कहा इस शहर को एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चाहिए जिसमें डिफरेंट एजेंसीज ना हो, क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी जिसमें फाइनेंस, इकोनॉमिस्ट, टाउन प्लानर्स, अर्बन प्लानर्स, आपके इदारे मजबूत होंगे तो ही इस शहर को आप चला सकते हैं, वरना नहीं। अब इस किस्म का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कैसे हो सकता है ख्वाजा साहब? मैं ये गुजारिश कर दूं भाई, मैं एक मुर्तजा भाई रुक जाए, बहुत लंबी इनिंग खेल लिया आपने। इस शहर आप मुझे आबादी की जब बात ना, आप इस शहर की आबादी की बात जब होती है तो मैं आपको बता दूं, अदालत में ये पिटीशन इस शहर ने लगाई है, हमने लगाई है सेंसस की। सूबे में और किसी जगह किसी को एतराज नहीं है, किसी एक सूबे में, किसी एक जिले में आबादी कम नहीं की गई, इस शहर की आबादी कम की गई है। और थैंक यू कि आपने मेरे मुतालबे को एंडोर्स किया कि चारों सूबों को यहाँ पे करना चाहिए। मैं एक चीज जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, सुन लें आप, और इस पे आप मुझे ये बताइएगा कि वाटर बोर्ड के अंदर अगर एमकेएम ने कराची के लोग, एमकेएम के कराची के लोग, कराची के बेटे जिसमें सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोच भी हैं, आपकी बहुत बड़ी यूनियन है वहाँ, अगर उनको भर्ती किया है तो वो वाटर बोर्ड का पानी पी गए हैं और वो उनकी जो तनख्वाहें, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बात मैं और आपसे कहता हूँ यार, ये कब तक मुर्तजा, आप तो कराची के बेटे हो यार, कराची के बच्चों को उसके अलावा कौन सी जॉब मिली है? पिछले 12 साल में 1,92,128 नौकरियां मिली हैं और जाली डोमिसाइल पर 1,00,000 से ऊपर नौकरियां हैं। खुदा के लिए अपने शहर के बेटों के आगे तो इंसाफ करो, इनको नौकरी कौन देगा? मेरा 8वीं पास कहाँ जाएगा, मेरा मैट्रिक पास कहाँ जाएगा? और आखिरी बात ये मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूँ, 2013 में वाटर बोर्ड की डीपीसी हुई, मजीद 3,000 लोग चाहिए शहर के अंदर वाटर बोर्ड को। और अगर आप मेरा यह मुतालबा मान लें तो आप सियासत छोड़ दीजिएगा, अगर मेरी ये बात गलत हो तो। 2013 डीपीसी शर्जील इनाम मेमन वहां के लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, अब भी वाटर बोर्ड में 3,000 लोग चाहिए, आप नहीं भर्ती करें,
हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, बिल्कुल भर्ती करेंगे, शहर के बेटों को भर्ती करेंगे, जाली डोमिसाइल वालों को भर्ती करने के लिए इजाजत नहीं देंगे। मैं इसका जवाब देता हूं, अफसोस की बात है कि आप मेरे बच्चों के लिए बात नहीं करते। अच्छा, आप जरूर मुर्तजा, यू हैव टू, यू हैव टू, जी जी नादिया, जी कैन आई रिस्पोंड नाउ? लेट मी टेक अ ब्रेक एंड देन यू कैन रिस्पोंड, अदरवाइज कता कलामी हो जाएगी। ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद जवाब, फिर जवाब ले लेते हैं हम उनसे, और उस पर जरूर रोशनी डालिएगा। फिर वो गोस्ट एम्प्लॉयज का जो जिक्र सिंध गवर्नमेंट करती आई है, फिर वो सब क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक मुर्तजा वहाब साहब, ख्वाजा इजहार साहब, तारिक महमूद, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कराची के मसाइल के हवाले से। जी मुर्तजा, पहले आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो बात ख्वाजा इजहार साहब ने वाटर बोर्ड के हवाले से कही है, और वो के जी कराची के लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिलती, ये भी ऐड कर दीजिएगा उसमें। थैंक यू नादिया, मुझे मौका दिया, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि 90s का कराची वापस आ गया। अच्छा मैं बताऊँ आपको, इजहार साहब ने नौकरी के हवाले से बात की ना, मैं तो, मेरा और बड़ा गिला है, मेरे शहर के मेरिट को तबाह किया है पिछले 20-25 सालों में। अभी ख्वाजा इजहार साहब कह रहे हैं ना कि मेरा वो बच्चा जो 8वीं पास है या 10वीं पास है उसको नौकरी नहीं मिलती। आप सब जानते हैं मैं उस कराची का रहने वाला हूं जहां पे कराची वाले पीएचडी करते थे, कराची वाले मास्टर्स करते थे, इंजीनियर बनते थे, अकाउंटेंट बनते थे, प्रोफेशनल होते थे। तो हमारी मेरिट की तो ऐसी की तैसी हो गई पिछले 25-30 सालों में। किस तरीके से हमारे तालीमी इदारों को तबाह किया गया, किस तरीके से हमारे मेट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड को तबाह किया गया। तो ज़रा इजहार भाई को इस बात का भी थोड़ा अदराक होना चाहिए कि असल ज्यादती जो कराची शहर की मेरिट के साथ की गई है ना, वो किसने की है पूरा शहर जानता है। और मैं समझता हूँ एक बार अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहर वालों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को एक बार फिर वो मेन स्ट्रीम में आए, उनको मेन स्ट्रीम में आने की इजाज़त दी जाए, उनको पढ़ने लिखने की इजाज़त दी जाए, वो पढ़ाई लिखाई करें, जो गलत राह पे चले गए थे वो गलत थी चीज़ों को, तो खुदारा मैं समझता हूँ इस तासुब से बाहर निकलने की ज़रूरत है हमको। ये मैं आई टेक प्राइड इन दिस नादिया जी। तारिक साहब, मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी हूँ, आई टेक प्राइड इन दिस। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा सूबा है, मेरा शहर है। ये जो बार बार बंटवारे की सियासत है, तफरीक की सियासत है, इसको खत्म होना चाहिए। अच्छा सुनने, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया आपका, जब पॉइंट आ गया आपका, चले अगर चले जी इजाज़ साहब, रिपीटेशन कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं, पॉइंट आ गया। मेरा पीएचडी, हम जो कहते हैं वो रिपीटेशन है, मेरा मास्टर्स मेरा पीएचडी आपके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन दुश्मन इदारा है मेरे लोगों का। मेरे पीएचडी, मेरे एमबीए कराची में नहीं रहना चाहते, मेरे एमबीए, मेरे पीएचडी, मेरे डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। आप कराची, अच्छा मुझे बताइए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होता है? एक मिनट आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे कराची का हर बच्चा, मेरे कराची का हर बच्चा मेरे पास है, यार क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे कराची में हर तरह का बच्चा है। सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी आप पूछे भाई, एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए पूछिए। एक सवाल, चले पीपल्स पार्टी बुरी है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बुरा है, हमारे इदारे बुरे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को तो हम नहीं चलाते हैं ना। आप मुझे बताइए कितने उर्दू बोलने वहां पे हैं, मुझे बताइए फेडरल गवर्नमेंट की जो नौकरियां आती है उसमें कितने हमारे आते हैं? मुझे तो पता है कितने फेडरल सेक्रेटरी हैं, कितने भाई नहीं है, मेरे पास है ना रिपोर्ट। आप भाई, आप मुझे बता दीजिए, आप रिजल्ट देख लीजिए, ये प्रॉब्लम है, आप रिजल्ट देख लीजिए। आप लोग इस बात को माने, आप लोगों ने कराची के मेरिट को तबाह किया है ना भाई। सवाल कर लिया ना, जवाब सुन लो, सवाल होता है, सवाल तो तकरीर थोड़ी होती है सवाल में। मसला ये है, नहीं वो तो कराची की जब आप वी हैव लिटिल टाइम, लेट्स गेट टू द पॉइंट, बताएं ख्वाजा साहब क्या फेडरल सर्विस कमीशन के हवाले से जो मुर्तजा कह रहे हैं कि वहां कितने उर्दू बोलने वाले। जवाब सुन लें, इस तरह इलेक्शन कैंपेन में तकरीरें की जाती हैं, अगर आपको कभी पीपल्स पार्टी जनरल सीट पे अगर इलेक्ट करने की करे हिम्मत तो फिर आप वहां तकरीरें कीजिएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। कराची की लड़की की जब बात करें, कराची की शहरी की जब बात करें, मैं आपसे कह रहा हूँ 1,92,128 नौकरियां इन 12 साल में दी गई हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं कोर्ट में गया हूँ, जाली डोमिसाइल हैं, 80,000 से 1,00,000 जाली डोमिसाइल हैं। भाई अगर वो आप ना दें तो इस यहाँ के शहर का पढ़ा लिखा MBA PhD सब जाके जॉब करेंगे। मैं जवाब देता हूँ, मेरा कोटा फिल हो गया तो आप बताएं मेरे शहर का बच्चा जाएगा कहाँ? आप तो मेरा डोमिसाइल लेकर और अच्छा आपने तकलीफ कर लिया, कराची के बेटे हैं,
कराची के बेटे होने का सबूत है, कराची के नौजवान आपको देख रहे हैं, जिंदगी भर ये सीट तुम्हारे पास नहीं रहेगी, जिंदगी भर मेरे पास नहीं रहेगी, मगर मैंने तुम्हें गलियों में इन बच्चों को जवाब देना है मेरे भाई। जी जी मुर्तजा, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए देखिए, मेरा ख्याल है मुर्तजा भाई, एक ख्वाजा इजहार साहब, तो इस तरह की तकारीर तो आप कर सकते हैं और उस पर बड़ी आपको वाहवाह भी मिलेगी, लेकिन खुदारा जो माजी में आप लोगों ने शहर के मेरिट के साथ किया है वो सब जानते हैं आप। प्लीज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट उठाइए, चेक कर लीजिए कराची की मेरिट कहाँ चले गई है। अभी केपीटी में अनाउंस हुई थी, कराची का कोटा नहीं रखा गया उसके अंदर, आपकी वफाकी हुकूमत ने, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। आप मुझे बताएं, पोर्ट कासिम में भी नौकरियां अनाउंस हुई कराची के लिए, उसमें लिखा था एवरी सिटी अपार्ट फ्रॉम कराची, क्या कर लिया आपने? अरे यार तुम बैरिस्टर हो, यार तुम बैरिस्टर हो, कराची का कोटा कहां होता है? ओ भाई आप, मैं ऐसा करता हूँ तारिक महमूद साहब, मैं आपको क्लिपिंग भेजता हूँ, आप आधे घंटे बाद फिर प्रोग्राम रख लीजिए इसके ऊपर। तारिक भाई आपको बताता हूँ, कराची पोर्ट नहीं है। एक तो मुर्तजा भाई और अरबन सिंध का कोटा होता है, कराची का नहीं होता, अरबन सिंध का कोटा होता है। अच्छा, एक तो इजहार साहब, मुर्तजा भाई, जी जी भाई, एक मिनट, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको अखबार का एड भेजूंगा, आप अपने टेलीविजन चैनल में चलाइएगा वो जो अखबार का एड शो करेगा, अपार्ट फ्रॉम कराची एक्सेप्ट कराची। दो चीजें कर लें, एक तो ये है कि अच्छी बात यह है कि हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अगर इजहार भाई और मुर्तजा भाई जो है वो एग्री हो तो नेक्स्ट वीक मैं भी वहां कराची में होऊंगा, हम चारों लोग बैठ के दो घंटे इसके ऊपर मुख्तलिफ इशूज पे, किसी भी दिन ये दोनों लोगों को कन्वीनियंट हो तो हम कम से कम उसके ऊपर बात करें, अगर मुर्तजा भाई आप एग्री हो और इजहार भाई जो भी अगले हफ्ते में से किसी भी दिन हो, 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग बैठे ताकि पता चले और इशूज की किसी हम कंसेंसस की तरफ जाएं, तो एक तो ये चीज हो जाएगी और जी दे चले। बहुत शुक्रिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम, क्योंकि देखें जब हम डिबेट करेंगे बैठेंगे तभी चीजें जो है ना वो बेहतर होंगी और लोगों को भी पता चलेगा कि किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वे फॉरवर्ड के ऊपर चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, अगर मुर्तजा भाई आप और इजहार साहब आप जो है ना समराइज कर दें कि वे फॉरवर्ड क्या है, चंद सेंटेंस पहले बोल दे तो ये लंबी तकरीर करेंगे, मैं कम अल्फाज में जो है ना ज्यादा बात कर लूंगा। नेक्स्ट वीक में इजहार भाई दोनों को हम पूरी लंबी लंबी तकरीर करने का मौका देंगे, लोग भी देखेंगे क्या है। जी बताएंगे, कराची का हल एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इन वन कमांड है, ये मल्टीपल सिविक एजेंसी से कराची नहीं चलेगा, और एक मजबूत डिवॉल्व आर्टिकल 148 के तहत पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली डिवॉल्व सिस्टम चाहिए। कराची के मेयर को चाहे वो कोई भी हो वजीर आला साहब के दरबार में जाकर माथे नहीं टेकने पड़े, उन्हें भी सिंगल लाइन ट्रांजेक्शन के जरिए जिस तरह एनएफसी से फंड सूबे को मिलता है इसी तरह सूबे से फंड पीएफसी को कराची को ट्रांसफर होना चाहिए। okay. ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कराची की है। जी मुर्तजा कैरी ऑन योर स्पीच। मेरी बातें इजहार भाई को पसंद नहीं आती हैं, फिर वो कहते हैं मैं तकरीर कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कराची का मसाइल का हल तब निकलेगा जब हम मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे, और मैं समझता हूँ कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए, बिकॉज जब हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को, प्रोविंशियल हुकूमत को, लोकल गवर्नमेंट को, तीनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, एक कंसर्न की ज़रूरत है जिसके बाद आप मसाइल को हल कर सकते हैं। अगर वफाकी हुकूमत डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, प्रोविंशियल हुकूमत डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, लोकल गवर्नमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, तो मैं समझता हूँ कभी भी कराची का स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ हमें हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह करे हमारे अंदर ये समझ बूझ आ जाए कि मिलकर काम करेंगे तो तरक्की होगी, सस्टेनेबल तरक्की होगी, अदरवाइज मसाइल ऐसे बढ़ते रहेंगे। आई हैव लास्ट 10 सेकंड्स। मुर्तजा भाई आपने जितनी उमूमी बात की ना तो इसका मतलब मैं ना ही समझूं। अब या आप अगले हफ्ते बैठकर मैं मुर्तजा से इसके ऊपर, नहीं जो मुर्तजा ने बात की है भाई, आपकी पॉलिटिक्स जो है ना, आपकी पॉलिटिक्स चलती इस बेस पे है कि दूसरे गलत हैं, कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ आ जाएं आप।
ओके थोड़ा काम शाम किया होता तो सीटें मिलती हैं आप लोगों को। चलें अभी हामनी की आपने बात की है कि हामनी से अगर ये चीजें आगे चलनी है, लेकिन जाहिर है एक निजाम है जिसके ऊपर इन तीनों ने मिलकर बैठना है और इस निजाम को डिसाइड करना है, क्योंकि बहरहाल लोकल गवर्नमेंट का निजाम होता है, डेमोक्रेसी की बेसिस है। किस निज़ाम के ऊपर ये सब मुत्तफिक होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जब डिवॉल्व होती हैं पावर्स तो वहीं से फिर बेहतरी भी आना शुरू होती है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह हाफिज़।